किसी भी सूबे की सियासत में अनुसूचित जाति एक बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरह से इस वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है या अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह जी, किस तरह से अब आप किस जो पार्टी है वो इस जाति को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है? मैं ऐसा मानता हूँ कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है, तब से 60 साल कांग्रेस सरकार रही है, मध्य प्रदेश में 45 साल सरकार रही है, लेकिन अनुसूचित जाति उसी झोंपड़ी में बैठा है, वही मांगने की स्थिति में बैठा है। इसका मतलब है कि उसके साथ अन्याय हुआ, छल हुआ, कपट हुआ है, धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अटल जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम अनुसूचित जाति को वोट बैंक नहीं मानते, कांग्रेस वोट बैंक मानती थी। हम भारत का अंग मानते हैं और इसलिए केवल वादे नहीं, केवल नारे नहीं, बल्कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कुछ नए आयाम तय किए जाएं, और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनके कल्याण के काम, उनके विकास के काम, प्रधानमंत्री ने आवास योजना के माध्यम से, गरीबों को गैस कनेक्शन देने के माध्यम से, इस प्रकार की एक नहीं कई योजनाएं को जन्म देकर अनुसूचित जाति को सम्मान और स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बड़े वोट बैंक पर लगातार जो है वो काबिज रही है, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए आपकी पार्टी कितनी सजग है? मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति एक समय नहीं होता था, ये माना जाता था, लेकिन आज हम एक नहीं कई चुनाव देख लें, मैहर देख लें, शहडोल देख लें, मैन चुनाव देख लें, अनुसूचित जाति का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ स्विंग हुआ है, इसलिए क्योंकि उनको शिवराज सिंह जी में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। पहले कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी से इस वोट बैंक को भ्रम पैदा करके काटती थी, लेकिन अब खुद अनुसूचित जाति का आदमी देखने लगा कि ये कांग्रेस कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और शिवराज सिंह जी हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से विश्वास के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत तेज गति से अनुसूचित जाति का ये समाज भाजपा के साथ बहुत तेज गति से जुड़ेगा। लेकिन लाल सिंह जी, कहीं ना कहीं संघ जो है वो कई बार इस तरह के स्टेटमेंट आते रहे कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, सपाक्स भी एक, आप चूंकि सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री भी हैं, सपाक्स भी जो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुद्दा उठाता रहा है कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए यहाँ पे दुविधा कहीं ना कहीं पैदा होती है? कोई दुविधा नहीं है, बहुत स्पष्ट है। दीनदयाल जी ने कहा है अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का पहले विकास। डॉक्टर अंबेडकर ने भी सामाजिक समरसता का मंच दिया है और विवेकानंद जी ने कहा है नरसेवा नारायण सेवा। बहुत स्पष्ट है हमारा लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और संघ भी मानता है कि जब तक हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति के साथ असमानता होती है तब तक उसको आरक्षण की सुविधा मिलती रहनी चाहिए। संघ ने आरक्षण खत्म करने की कभी बात नहीं की, कभी तोड़ मरोड़ के लोग बयान पेश करते हैं, संघ की भी यही मान्यता है और संघ सामाजिक समरसता का उद्देश्य को लेकर ही काम कर रहा है कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी दिशा में काम कर रही है कि अनुसूचित जाति को मान सम्मान स्वाभिमान स्वावलंबन ये मिले ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हो सके, वो भिक्षुक बन के नहीं खड़ा हो बल्कि देने की स्थिति में खड़ा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है और इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संघ पर भी ये लांछन लगाना कि आरक्षण के विरोधी है, मैं नहीं मानता। परम पूज्य संचालक ने एक बार कहा था कि आरक्षण देश में तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक एक भी आदमी के साथ अनटचेबल हो रहा, छुआछूत हो रहा है। सपाक्स पे आप क्या कहें? लोग अन्य विचारधाराओं के क्या कहते हैं मुझे इस पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें संविधान की मूल भावना की तरफ जाना चाहिए, जिस संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों की भूमिका है। अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा है, उसने यही कहा है कि देश में अनटचेबल या गरीब लोगों को आरक्षण देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह तक पूरा नहीं होता तब तक इस पर किसी प्रकार का खत्म होने का विचार ही नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी, यहाँ पे पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में है, चाहे संघ का इस तरह के कई बार स्टेटमेंट जरूर आए, लेकिन मंत्री लाल सिंह आर्य का कहना है कि संघ भी आरक्षण की विचारधारा के पक्ष में है, और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है यहाँ पर कम से कम हाथी का खतरा नहीं है। कैमरामैन अनवर के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।